आजादी का अमृत महोत्सव, आजादी का अमृत महोत्सव। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। 11th एपिसोड आउट ऑफ 75 टुडे, और आज का टॉपिक है भारतीय राजनीति एवं संविधान। और आज के इस प्रोग्राम को पेश किया जा रहा है भारत विकास परिषद महाराष्ट्र मुंबई प्रांत, और आई एम द कन्वेनर ऑफ द प्रोग्राम विकास मित्र ये राम लक्ष्मण नौलखा, आई टी सेल कन्वेनर, सोर्स ऑफ इंस्पायरिंग बुक, दिस इज द बेस्ट बुक फॉर आवर दिस टुडेज नॉलेज सेशन। भारत को जानो, भारत को जानो, भारत विकास परिषद का एक पब्लिकेशन है। यू कैन विजिट www.bbpindia.com। आजादी का अमृत महोत्सव, इस कड़ी में अभी तक हमने 10 एपिसोड आपके सामने पेश किए हैं। इम्पोर्टेंट एपिसोड नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, भारतीय कला दर्शन कल्चरल एंड आर्ट प्रोग्राम, आप श्रेष्ठ हैं गीता ज्ञान, भारतीय धर्म, भारतीय धर्म स्थल, कॉरपोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, ललित कलाएं, और भी अनेक प्रोग्राम लाइंड अप है। और ये सीरीज चल रही है हमारी भारत दर्शन भारत को जान, डेली 11 एपिसोड की एक प्रोजेक्टेड सीरियल्स है ये, जो 11 नवंबर से शुरू होकर 21 नवंबर तक चलेंगे। तो आइए जानते हैं भारतीय राजनीति और भारतीय संविधान के बारे में कुछ जानकारी। दोस्तों ये जो एपिसोड हम लेकर आए हैं, दीज आर बेस्ड ऑन द अवेलेबल इंफॉर्मेशन एंड स्पेशली फ्रॉम द बुक, ऑथेंटिकेटेड बुक भारत को जानो। एनी यूजर ऑफ द इंफॉर्मेशन फ्रॉम दिस एपिसोड और अदर एपिसोड मस्ट बी अगेन चेक दिस, वेरीफाइड दिस फॉर एनी एग्जामिनेशन, फॉर विटनेस और फॉर एनी स्टेटमेंट, बिकॉज नॉट ओनली भारत विकास परिषद बट वी ऑल विल नॉट बी रेस्पॉन्सिबल, दो इट हैज बीन टेकन केयर टू गिव यू दी ऑथेंटिकेटेड इंफॉर्मेशन। भारत को जानो इज ए कॉम्पिटिशन इनफेक्ट बाई द भारत विकास परिषद इन ऑल इंडिया कॉम्पिटिशन इन 2001, एंड लैक्स ऑफ स्टूडेंट पार्टिसिपेट एवरी ईयर फ्रॉम द स्कूल एंड अदर कॉर्पोरेट एंड स्किल। हमने कुछ ऐसे सब्जेक्ट चूज किए हैं जो आपकी पब्लिक लाइफ में जो आपको जानकारी भी देंगे और आपके लिए यूजफुल और उपयोगी भी होंगे। तो भाई बहनों, आज का हमारा जो टॉपिक हमने रखा है 11th एपिसोड भारतीय राजनीति एवं भारतीय संविधान। इंडिया इज ए पार्लियामेंट्री डेमोक्रेटिक रिपब्लिक इन विच द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द हेड ऑफ स्टेट एंड द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज द हेड ऑफ गवर्नमेंट। इंडिया फॉलोज ड्यूल पॉलिटिक सिस्टम, फेडरल इन नेचर दैट कंसिस्ट द सेंट्रल अथॉरिटी एट द सेंटर एंड द स्टेट एट द पेरिफेरी। एज पर विकिपीडिया Greek word, Rajniti, politics is the Greek word. It is a set of activities that are associated with making decisions in groups or other form of power, relations between individuals, such as the distribution of resources or status.
भारत की राजनीति भारतीय संविधान के ढांचे में काम करती है। जैसा कि हमने अभी बताया, जहां पर राष्ट्रपति देश का प्रमुख होता है और प्रधानमंत्री सरकार। एक संघीय संसदीय लोकतांत्रिक गणतंत्र है भारत। भारत एक द्विराजतंत्र का अनुसरण करता है, अर्थात केंद्र में एक केंद्रीय सत्ता वाली सरकार और परिधि में राज्य सरकार। एक ऊपरी सदन जिसे राज्यसभा कहते हैं, जो भारतीय संघ के राज्य तथा केंद्र प्रशासित प्रदेश का प्रतिनिधित्व करती है, और एक निचला सदन लोकसभा जो भारतीय जनता का प्रतिनिधित्व करती है और सम्मिलित। शासन एवं सत्ता सरकार के हाथ में होती है। संयुक्त वैधानिक बागडोर सरकार एवं संसद के दोनों सदनों लोकसभा एवं राज्यसभा के हाथ में होती है। न्यायमंडल शासकीय एवं वैधानिक दोनों से स्वतंत्र होता है। संविधान के अनुसार भारत एक प्रधान समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक राज्य है, जहां पर सरकार जनता के द्वारा चुनी जाती है। यहां चुनाव लोकतांत्रिक पर्व की तरह मनाया जाता है। राज्य सरकारों को बहुमत न होने की विशेष परिस्थिति में, संवैधानिक परिस्थिति में निष्कासित भी कर सकती है। हर एक राज्य में एक राज्यपाल भी नियुक्त किया जाता है, प्रेसिडेंट on top, then Prime Minister, then Union Cabinet, Council of Ministers, bureaucrats, Lok Sabha, Rajya Sabha and Supreme Court. Dear friends, हम कुछ प्रश्न और आंसर के माध्यम से राजनीतिक चेहरे और राजनीतिक चित्र भारत का अभी हम कुछ देर में देखेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के कुछ अलग अलग पार्ट्स हैं। टोटल पार्ट्स जो हमें भारत सरकार की वेबसाइट से नजर आ रहे हैं, 22 पार्ट्स और 12 शेड्यूल्स हैं और अपेंडिक्स भी काफी सारी है। ये आप गूगल पर भारत सरकार की वेबसाइट पर भी जाकर या कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जाकर आप देख सकते हैं। फ्रेंड्स, बेसिकली पार्ट वन में यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज के बारे में जानकारी दी है, पार्ट टू में सिटीजनशिप, पार्ट थ्री में फंडामेंटल राइट्स, राइट ऑफ इक्वलिटी, फ्रीडम, राइट against exploitation, right to freedom of religion, cultural and educational rights, saving of certain laws, right to constitutional remedy. Part 4, directive principles of state and state policy. Part 4A, fundamental duties. Friends, इसी तरह से parliament and other पार्ट में अलग अलग भारत सरकार के कॉन्स्टिट्यूशन, इसको देखकर, इसको ध्यान में रखकर, नीचे से लेकर पंचायत राज से लेकर राष्ट्रपति तक, पार्लियामेंट तक, राज्यसभा तक, सभी इसको फॉलो करते हैं। हम स्पेशल सेशन रखेंगे फंडामेंटल ड्यूटी, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, और फंडामेंटल राइट, इसके बारे में एक बार स्पेशल हम सेशन रखेंगे। लेकिन आज हम चलते हैं कुछ विशेष जानकारी भारतीय राजनीति और कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। ये आज का एपिसोड हमने 3 दिन में डिवाइड किया है, जितनी इंफॉर्मेशन 20-25 मिनट में आज पूरी होगी वो आज, और नहीं तो फिर कल और या फिर परसों। इसी तरह से हम इसको लगातार 3 दिन के पार्ट में पूरा करेंगे। फ्रेंड्स, आजादी का अमृत महोत्सव इज ए इंटेंसिव कंट्री वाइड कैंपेन विच विल फॉलो
projects on citizens' participation to be converted into Jan Andolan, wherein small changes at the local level will add up to the significant national gain. And it's in India's glorious history, Bharat, Shrestha Bharat, Ek Bharat, showcasing India's development in your growth story, global outrage, cultural, freedom fighter movement, and many things. Everything will be covered here. और आजादी का अमृत महोत्सव की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए अब मैं बढ़ता हूँ आज के सेशन भारतीय राजनीति और कॉन्स्टिट्यूशन। सबसे पहला सवाल आज की जानकारी के लिए, आपकी जानकारी के लिए मैं पूछ रहा हूँ, संविधान द्वारा, भारतीय संविधान, संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान कब स्वीकार किया गया? आंसर है 26 नवंबर 1949, 26 नवंबर 1949। भारतीय संविधान कब लागू किया गया? स्वीकार किया गया नवंबर 1949 एंड लागू किया गया 26 जनवरी 1950। भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं? 22 पार्ट, जैसा कि मैंने अभी बताया 22 पार्ट है अलग अलग। भारत का प्रथम नागरिक किसे कहते हैं? आप में से बहुत लोगों को जानकारी होगी भी नहीं भी होगी। फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया, राष्ट्रपति। भारतीय संसद के कौन कौन से अंग हैं? भारतीय संसद के कौन कौन से अंग हैं? राष्ट्रपति, लोकसभा एंड राज्यसभा। महाराष्ट्र और गुजरात राज्य किस राज्य का विभाजन करके बने? महाराष्ट्र व गुजरात किस राज्य का विभाजन करके बने? इसमें महाराष्ट्र और गुजरात पहले एक ही राज्य हुआ करते थे और बाद में विभाजन के बाद दो राज्यों में इनको बांटा गया। इफ आई एम करेक्ट 1960 में ये विभाजन शायद हुआ था, लेकिन बट जो दो राज्य का नाम है वो राज्य पहले बंबई राज्य के नाम से जाना जाता था, तो बंबई का राज्य को विभाजन करके हमने महाराष्ट्र में गुजरात में डिवाइड किया। जवाहरलाल नेहरू सर्वप्रथम कांग्रेस अध्यक्ष कब बने? कांग्रेस सबसे पुरानी पार्टी है और कांग्रेस की स्थापना कब हुई ये अलग बात है, लेकिन यहाँ सवाल है कि पहली बार सर्वप्रथम कांग्रेस अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू बने थे 1929-1930। इंदिरा गांधी पहली बार कब कांग्रेस अध्यक्ष बने? 1916। लाल बहादुर शास्त्री कब प्रधानमंत्री बने? 1964 में। 1939 में गांधी जी से मतभेद के कारण किसने अखिल भारतीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से त्याग पत्र दे दिया था? सवाल है गांधी जी से मतभेद के कारण किसने अखिल भारतीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से त्याग पत्र दे दिया? राइट आंसर है सुभाष चंद्र बोस। 1993 में दिल्ली की प्रथम विधानसभा से कौन सी पार्टी सत्ता में आई थी? भारतीय जनता पार्टी।
जलियांवाला बाग हत्याकांड में से दुखी होकर महात्मा गांधी ने किस उपाधि को ठुकरा दिया था? करेक्ट आंसर है केसरे हिंद। कांग्रेस आई के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बाबू जगजीवन राम। मरणोपरांत पहली बार भारत रत्न सम्मान किसे दिया गया? भारत रत्न आपकी जानकारी के लिए बता दें सर्वोच्च नागरिक सम्मान है भारत का। यहाँ ये सवाल ये किया गया है कि मरणोपरांत पहला मरणोपरांत भारत रत्न सम्मान किसे दिया गया? आंसर है लाल बहादुर शास्त्री। 1975 में लगी इमरजेंसी कितने समय तक लागू रही? आप में से काफी लोगों ने इमरजेंसी को देखी नहीं होगी, मैंने देखी है इमरजेंसी का टाइम। इंदिरा गांधी उस वक्त प्रधानमंत्री हुआ करती थी और इमरजेंसी जब लगी तो ये 19 मंथ तक चालू रही, 19 महीने तक। सबसे कम समय तक भारत के राष्ट्रपति रहने वाले व्यक्ति डॉक्टर जाकिर हुसैन। गोवा दमन दीव का भारत में विलय कब हुआ? गोवा दमन दीव का भारत में विलय कब हुआ? 19 दिसंबर 1961। और सवाल हम आपसे पूछते हैं, भारत में राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? ये सवाल केबीसी में भी पूछा गया था और इनफैक्ट आपको बता दूं कि ये जो बुक मैंने आपको दिखाई है काफी सारे सवाल केबीसी कंटेस्टेंट में रिफर करते हैं, कॉम्पिटिशन एग्जाम में से भी बहुत लोग अपीयर करते हैं इसी बुक को रिफर करते हैं और काफी सारे सवाल इसमें से पाए भी जाते हैं एग्जाम। भाई और बहनों, भारत में राज्यपाल बनने की न्यूनतम आयु क्या है? आई एम गिविंग टू ऑप्शन, 45 ईयर्स और 35 ईयर्स। इसी तरह करेक्ट आंसर जो मुझे दिखा रहा है यहाँ पे 35 ईयर्स। भारतीय संविधान में अंतिम अनुच्छेद की संख्या क्या है? 395। इस वर्ष मतदान की न्यूनतम आयु 18 वर्ष की है। आपको इसमें दो जानकारियां मिलेगी, इसका न्यूनतम आयु पहले 18 वर्ष से ज्यादा थी, अब ये न्यूनतम आयु 18 वर्ष कर दी गई है। और कब की गई है ये? 15 दिसंबर 1988। 81 वर्ष की आयु में भारत के प्रधानमंत्री बनने वाले नेता, 81 ईयर के प्रधानमंत्री बनने वाले नेता मोरारजी देसाई। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? न्यायाधीशों की अधिकतम संख्या यहाँ पे बताई गई है 35। जन गण मन को राष्ट्रगान के रूप में कब स्वीकार किया गया? जन गण मन राष्ट्रगान है हमारा, लेकिन इसको स्वीकार कौन से साल में किया गया? 24 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1950। संविधान सभा ने भारतीय संविधान को बनाने में कितना समय लगाया? संविधान सभा ने भारतीय संविधान को बनाने में कितना समय लगाया?
अब देखिए, हमारा देश आजाद हुआ अगस्त 1947, और संविधान सभा द्वारा प्रथम बार भारतीय संविधान को स्वीकार किया गया नवंबर 1949, यानी कि 2 ईयर्स तो कंप्लीट हो गए, 47 से 49, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर, 3 मंथ्स मोर, यानी कि 2 ईयर्स एंड अबाउट 3 मंथ्स। लेकिन जो करेक्ट आंसर है, 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। उसके बाद 26 जनवरी 1950 को इसको लागू किया गया। राज्यसभा की सदस्यता है तो न्यूनतम आयु कितनी है? 30 वर्ष। लोकसभा, राज्यसभा एवं विधानसभा एवं विधान परिषद में से किस सदन के सदस्य राष्ट्रपति चुनाव में भाग नहीं ले सकते? राष्ट्रपति का चुनाव जनता नहीं करती, लेकिन जनता के चुने हुए हमारे पार्षद, एमएलए, एमपी करते हैं। लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा एवं विधान परिषद, इनमें से कौन सा परिषद चुनाव में भाग नहीं लेते? राष्ट्रपति के चुनाव, वो है विधान परिषद। इसका मतलब यह हुआ कि लोकसभा कर सकती है, राज्यसभा कर सकती है और विधानसभा राष्ट्रपति के चुनाव में भाग ले सकती है, लेकिन विधान परिषद नहीं ले सकती। वह कौन सा विधेयक है जो लोकसभा द्वारा पारित होने लेकिन राज्यसभा द्वारा 14 दिन में पारित न करने की स्थिति में भी दोनों सदनों द्वारा पारित मान लिया जाता है? प्रश्न वापस, वह कौन सा विधेयक है जो लोकसभा द्वारा पारित होने लेकिन राज्यसभा द्वारा 14 दिन में वापस न करने की स्थिति में भी दोनों सदनों द्वारा पारित मान लिया जाता है? इसका मतलब सवाल ऐसे पूछा गया है कि एक कोई ऐसा विधेयक है जो 14 दिन में अगर पास करके, पारित करके वापस अगर लोकसभा में नहीं रिटर्न हुआ तो भी पास किया हुआ मान लिया जाता है, बाकी सबको पारित होने के लिए टाइम लिमिट है। तो यहाँ पे धन संबंधी विधेयक यानी कि फाइनेंस बिल अगर 14 दिन में भी पास करके, पारित करके नहीं भेजा गया तो भी पारित किया हुआ मान लिया जाता है। उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार को नामांकन भरते समय कितने प्रस्तावक एवं अनुमोदक सदस्य की आवश्यकता होती है? उपराष्ट्रपति, नॉर्मल केस में हम जानते हैं कि प्रस्तावक और उन अनुमोदक दो दो ज्यादा से ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन उपराष्ट्रपति के लिए यहाँ पे 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक। विशेष परिस्थिति में लोकसभा का कार्यकाल अधिकतम कितना बढ़ाया जा सकता है? नॉर्मली लोकसभा का कार्यकाल होता है 5 साल, लेकिन विशेष परिस्थिति में कितना बढ़ाया जा सकता है? आंसर है 1 वर्ष। राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति दोनों की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति का पदभार कौन संभालेगा? कभी कभी ऐसा होता है कि राष्ट्रपति भी आउट ऑफ इंडिया है, उपराष्ट्रपति भी एब्सेंट में है, और दोनों ही अपनी पोजीशन पे विराजमान नहीं है या लीव पर है, तो कौन राष्ट्रपति का पदभार संभालेगा? बहुत अच्छा सवाल है और हर आदमी को जानना चाहिए। ऐसी परिस्थितियां जनरली कम आती है या आई नहीं होती है, लेकिन जानकारी होनी चाहिए। आंसर है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। एक देश में दो निशान, दो प्रधान, दो विधान नहीं चलेंगे, कश्मीर के बारे में यह कथन किसका था? डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी।
संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। उप प्रधानमंत्री का नाम बताइए जिन्होंने अपने कार्यकाल में सदन का सुख कभी नहीं देखा, यानी कि प्रधानमंत्री तो बन गए, बना दिया गया या इलेक्ट हो गए, नॉमिनेट हो गए, जैसा भी, लेकिन उनके कार्यकाल में लोकसभा कभी सेशन में रही नहीं। ऐसे प्रधानमंत्री हैं चौधरी चरण सिंह। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की अधिकतम आयु कितनी हो सकती है? न्यायाधीश चीफ जस्टिस की या वो नहीं बताया गया है, अधिकतम आयु कितनी हो सकती है वो बताया है यहाँ पे, राइट आंसर 62 ईयर्स। भारत के महालेखा परीक्षक एवं नियंत्रण के अधिकार एवं कर्तव्य का निर्धारण करने का अधिकार किसके पास है? 1977 में के चुनाव में इंदिरा गांधी को किस नेता ने पराजित किया था? मैंने वो चुनाव देखा है और बहुत ही चैलेंजिंग चुनाव था, लेकिन फिर भी राज नारायण इंदिरा गांधी को पराजित कर दिया था। राज्यसभा का गठन किस तारीख को किया गया? 3 अप्रैल 1952, 3 अप्रैल 1962। कुछ और सवाल हम करते हैं। उस व्यक्ति का नाम बताइए जो प्रथम लोकसभा से लेकर, यानी आजादी के बाद में लोकसभा से लेकर मृत्यु पर्यंत लोकसभा का सदस्य रहे। व्यक्ति का नाम बताना है, नाम है जगजीवन राम, 1952 से 1986 तक लगातार वो लोकसभा के सदस्य बने रहे और उसके बाद उनको गोलक लोकगमन हुआ। उस व्यक्ति का नाम बताइए जो 21 साल के लोकसभा सदस्य सर्वाधिक बार निर्वाचित हुआ, एक कहीं लोकसभा सदस्य सर्वाधिक बार निर्वाचित हुआ, PM साई लक्षद्वीप के 10 बार। स्वतंत्र भारत का सर्वप्रथम बजट कब पेश हुआ? 1947 को देश आजाद हुआ, 15 अगस्त 1947, उसके बाद ही की डेट होनी चाहिए, तो वो डेट क्या है? जो राइट आंसर है वो है 26 नवंबर 1947। फ्रेंड्स, लॉट ऑफ क्वेश्चंस आर देयर, विच विल कंटिन्यू अगेन टुडे सेशन, वी विल एडजर्न हियर ओनली, वी विल इंक्लूड टू ऑफ मोर क्वेश्चंस tomorrow and day after tomorrow with the same continuation. आजादी के अमृत महोत्सव में आप सबको भी मैं निमंत्रण देता हूँ। हमारे देश के प्रधानमंत्री ने अभी अभी अक्टूबर के मन की बात में 2-3 अच्छे सुझावों को एक्सेप्ट करके लागू करने का एक आदेश दिया है। आज़ादी के अमृत महोत्सव में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का पार्टिसिपेशन हो, देशभक्ति के गीत या भजन लोकल लैंग्वेज में हो सकते हैं, हिंदी में हो सकते हैं, इंग्लिश में हो सकते हैं, लेकिन स्पिरिट ऑफ इंडिया भारत की होनी चाहिए। रंगोली जिसमें हमारे संस्कार, हमारी संस्कृति, हमारी आज़ादी का झलक नजर आए, वो कॉम्पिटिशन, और पेट्रोटिक लॉरी और पोल्ट्री पेन डाउन, हम भी कोशिश करेंगे कि देशभक्ति के
इस और अर्जुनों का एक कार्यक्रम आप सबके लिए हम रखेंगे और इसी तरह से अलग हो आज के सेशन को मैं यही कंक्लूड करता हूँ। स्वस्थ समर्थ और संस्कारित भारत फिजिकली इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग मॉरली स्ट्रॉन्ग इंडिया। मेरा भारत महान, मेरा भारत महान। ये था भारत विकास परिषद महाराष्ट्र मुंबई प्रांत का कार्यक्रम। आजादी का अमृत महोत्सव एपिसोड नंबर 11/75। देखते रहिए हमारे अगले एपिसोड फुल्ली रिकॉर्डेड दिस सेशन आल्सो कैन बी सीन ऑन राम लक्ष्मण फूड लाइफ। एक बार फिर से आपका धन्यवाद। भारत माता की जय। वंदे मातरम। नमस्ते। आप सबकी इजाजत से मिलते हैं कल फिर वापस 9 बजे शाम जूम पर। भारत माता की जय। भारत माता।